तो लखनऊ से भी आपको बड़ी जानकारी हम दे देते हैं। नगर निकाय चुनाव की तारीखों की जल्द होगी घोषणा। परिसीमन का कार्य अंतिम चरण में पहुंच चुका है और इस बार 104 नई निगम पंचायतों का गठन भी हुआ है। 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और आपको बता दें कि 539 नगर पंचायतें हैं। और अब बताया जा रहा है कि नगर निकाय चुनाव की तारीखों की जल्द घोषणा हो जाएगी। परिसीमन का कार्य अब अंतिम चरण पर पहुंच चुका है और माना यह भी जा रहा है कि नवंबर के लास्ट हफ्ते में या फिर दिसंबर के स्टार्टिंग में जो चुनाव है वो हो सकते हैं। और इसको लेकर अब तमाम पार्टियों ने पूरी कमर कस ली है। तो परिसीमन का कार्य अंतिम चरण पर पहुंचा है और आपको बता दें कि इस बार 104 नई नगर पंचायतों का भी गठन हुआ है। 17 नगर निगम, 200 पालिका परिषद और 539 आपको बता दें कि नगर पंचायतें हैं जहां पर चुनाव होने। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहांपुर में खेत पर भाई को खाना देकर घर जा रहे युवक को गोली मार दी गई, जिसके बाद घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया दें कि 4 लोगों पर गोली मारने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही पुलिस मामले की जांच में भी जुट गई है। तो हापुर का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां दबंगों ने युवक को गोली मार दी। गोली लगने से युवक घायल हो गया, घायल के बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अब बात मुजफ्फरनगर की करते हैं, जहां पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। बता दें कि चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने पुलिस की मुठभेड़ उनसे हो गई और मुठभेड़ में एक बदमाश भी घायल हो गया है, साथ ही एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बदमाश से स्कूटी, तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किए हैं। मुजफ्फरनगर घटना दिखा रहे हैं आपको, साथ ही साथ तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से मुठभेड़ होती है और उसके बाद बदमाश जो है वो घायल हो जाता है, जिसके बाद अस्पताल में बदमाश को भर्ती कराया जाता है। तो आपको बता दें कि बदमाश से अवैध हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं संभल में पुलिस ने बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर माहौल बिगाड़ने के आरोप में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने केस दर्ज कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। वहीं एसपी ने कहा है कि जिले में बच्चा चोरी की कोई घटना नहीं हुई है, अगर किसी को शक है तो पुलिस को सूचना दे। साथ ही बेवजह अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ एसपी ने कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। तो संभल ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जहां बच्चा चोरी की अफवाह पर प्रशासन अब सख्त हो गया है। पुलिस ने 6 आरोपियों को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। हालांकि पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पिछले कुछ समय से देश के विभिन्न भागों में बच्चा चोरी को लेकर सोशल मीडिया तथा गांवों में अफवाह फैलाई जाने का काम कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। संभल पुलिस के द्वारा इसका संज्ञान लेते हुए गांव-गांव में क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष के द्वारा मीटिंग कराते हुए लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है, जिससे कि वो इस अफवाहों से बच सकें। जनपद संभल में भी 2 ऐसे मामले जिनमें अफवाह फैलाई गई सामने आए, उनकी जांच कराई गई तो वो पूर्णतः झूठे पाए गए। कोई भी बच्चा चोरी की घटना अभी तक जनपद संभल में नहीं हुई है। ऐसे 2 मामलों में जिनमें से पहला मामला थाना कैला देवी के अंतर्गत ग्राम हाजीपुर और ग्राम मूसापुर का है, यहाँ पर बच्चा चोर की अफवाह फैलाकर एक अज्ञात व्यक्ति को रोककर उसको घेरने की कोशिश की गई। जिला पूर्ति विभाग के एआरओ अश्विनी कुमार मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 दिन पहले गंगोह क्षेत्र के गांव बड़दा खेड़ा में पूर्व राशन डीलर के यहां भारी मात्रा में सरकारी अनाज बरामद हुआ है। जांच के बाद ये पाया गया है कि राशन डीलर को 1 महीने पहले ही सस्पेंड कर दिया गया था, लेकिन गांव वालों की सूचना पर पुलिस बल के साथ छापेमारी की गई तो लगभग 85 कट्टे गेहूं चावल के बोरे भूसे के नीचे दबा कर रखे गए थे, जिसको जब्त कर लिया गया है। साथ ही पूर्व राशन डीलर और जिसके
आपको बता दें कि ये माल छुपा रखा था, उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और अब पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितेंद्र प्रसाद के नेतृत्व वाले मंत्रियों के समूह के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान वो एम्स रायबरेली प्राथमिक विद्यालय के साथ रेल कोच और रेल पहिया कारखाने का निरीक्षण भी करेंगे। बता दें कि कल भी मंत्री समूह ने निरीक्षण किया था, जिसमें सड़क निर्माण के दौरान कई खामियां मिली थी। रायबरेली जहाँ के दौरे पर जितेंद्र प्रसाद हैं और रेल कोच रेल पहिया कारखाने का वो निरीक्षण करेंगे। तो बार गोंडा की करते हैं, जहां दबंगों ने पेट्रोल पंप मैनेजर की जमकर पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि पुलिस के सामने दबंग मैनेजर की पिटाई करते रहे, साथ ही पूरी घटना पंप पर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है। वो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जिसके बाद घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो कोतवाली करनलगंज का बताया जा रहा है। तो ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं, वो वीडियो भी दिखा रहे हैं, CCTV फुटेज, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद होते नजर आए। पेट्रोल पंप मैनेजर की यहां पर इन्होंने पिटाई कर दी, तो पिटाई का वीडियो अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो हमीरपुर अपर जिला एवं विशेष सत्र न्यायाधीश SC ST मोहम्मद असलम सिद्दीकी की अदालत ने 28 साल पहले गोली मारकर हत्या और डकैती करने वाले मामले में 17 लोगों को दोषी करार दिया है, साथ ही इन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई है। अभियुक्तों में प्रत्येक को 30,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। बता दें कि 25 आरोपियों में से 5 आरोपियों की मौत हो चुकी है। तो हमीरपुर जहां हत्या के मामले में 17 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है, 28 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है। 5 आरोपियों की फिलहाल मौत हो चुकी थी उस समय, जिसके बाद अब ये फैसला सुनाया गया, जहां पर आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये 16/3/1994 में कुरारा थाने के अंतर्गत चकोठी ग्राम में दो लोगों का मर्डर हुआ था। उस मुकदमे में 25 लोग नामजद किए गए थे। वो मुकदमा चला, आज माननीय न्यायालय ने 17 लोगों आजीवन कारावास 30,000 रुपये फाइन, जिसमें 5 अभी दौरान परीक्षण मर चुके थे और 3 अभी भी फरार हैं, उनकी पत्रावली अलग कर दी गई है। एक जुवेनाइल था, तो किशोर न्याय बोर्ड मुकदमा भेजा गया है। तो बाद अमरोहा की करेंगे, जहां थाना डोकी क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक ने युवकों को रौंद दिया, जिसके चलते दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया है। वहीं दोनों युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। तो अमरोहा का ये पूरा मामला, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसमें 2 भाइयों की जान चली गई। तो योगी सरकार में अतिक्रमणकारियों और अवैध कब्जा करने वालों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि अमरोहा में बुलडोजर एक खास वजह से चर्चा में है। इस बार बुलडोजर अतिक्रमण पर नहीं बल्कि देसी शराब पर चला है। बता दें कि बुलडोजर से एस्पायर शराब को नष्ट किया गया है। इस शराब की कीमत 27,61,488 रुपये बताई जा रही है। तो अमरोहा का ये पूरा मामला, वो तस्वीरें भी देखिए किस तरीके से अवैध शराब पर बुलडोजर चला, और देखिए बुलडोजर ये कार्यवाही अतिक्रमण पर नहीं लेकिन इस बार शराब के ठेके पर की गई है। 27 लाख से ज़्यादा शराब को यहाँ पर नष्ट किया गया।
तो बात चंदौली की करेंगे, जहां हाईवे पर ट्रक ने चार पहिया वाहन को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बता दें कि हादसा बोध गया से पिंडदान करने लौटने के दौरान हुआ था। वाहन सवार सभी लोग मध्य प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। ये घटना NH पर बाजितपुर गांव के पास NH की है। तो ये चंदौली का पूरा मामला, ट्रक ने कार को टक्कर मार दिया और इस हादसे में एक लोग की मौत हो गई है, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।